दोस्तों आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति लेकर आई हूं आप सबके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट पावरफुल कपल्स में से एक, मोस्ट इंस्पायर्ड कपल, मोस्ट लवर, मोस्ट ब्यूटीफुल लवली कपल, मोस्ट अडोरेबल, मोस्ट लविंग, मोस्ट पॉपुलर कपल के बारे में। तो यहाँ अजय और काजोल के बारे में, अजय काजोल की लव स्टोरी के कई किस्से हमने आपको सुनाए, आज बॉलीवुड किस्सा में हम आपको सुनाएंगे अजय और काजोल की जिंदगी का वो राज जो बहुत ही गहरा है, जख्मों से भरा है, तकलीफों से भरा है, उतार चढ़ाव रिश्ते में आने वाले उस मोड़ से भरा है जो कि उस रिश्ते को और मजबूत करता है। किन किन कठिनाइयों से गुजरे हैं अजय और काजोल शादी के बाद भी, किस तरह की परिस्थितियों का किया है इन दोनों ने ही सामना, सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना हम आप सबको सीधा रिपोर्ट की तरफ ले चलेंगे जिसमें आप देखिएगा कि अजय और काजोल की जिंदगी वाकई कितनी दर्द भरी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं अजय देवगन और काजोल के बारे में, इनकी लव स्टोरी, इनके बीच के मिस हैपनिंग्स, इनके बीच के उतार चढ़ाव, रिश्ते में उतार चढ़ाव, मतभेद, मनभेद, झगड़े और अटूट प्यार। जी हाँ, पूरी कहानी अजय देवगन और काजोल की। जी हाँ, हमारे इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के इस कपल के बारे में जो हमेशा ने मिसाल कायम किया, अपनी लव स्टोरी को इस तरह खुलकर बयां किया और एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद शादी में कभी दरार नहीं पड़ने दिया। जी हाँ, कई बार एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई होंगी, लेकिन इन्होंने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। खैर, आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, 1995 में फिल्म हलचल के सर पर अजय देवगन मिले और तभी कॉल ऑफ डेस्टिनी से उन्होंने माना। आगे जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह आए कि हमेशा के लिए एक दूजे का होने का इन्होंने फैसला ले लिया। चलिए आपको बता दें, काजोल ने ये स्टेटमेंट भले ना दिया हो, आप सबके बीच खुलकर बहुत पहले उन्होंने कहा था कि पहले तो उन्हें अजय देवगन बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो हमेशा जॉली पर्सन थी, लेकिन अजय काइंड ऑफ हार्ड कोर इंट्रोवर्ट थे जो उन्हें नफरत थी। अजय देवगन का इंट्रोवर्ट होना काजोल को ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन दोनों ने जब एक दूसरे को डेट किया, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, तो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का क्या तरीका हो सकता है, ये भी इन्होंने डेटिंग के दौरान एक दूसरे को समझते हुए जान लिया, डिसीजन लिया कि ह्यूज बदलाव करना होगा, एक दूसरे को अपना बनाना होगा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में इनका रिश्ता लवी डवी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, आज ये आपको हम बता दें इनका रिश्ता किस तरह से तार चढ़ाव से भी गुजरा था कभी। जी हाँ, बता दें आप सबको कि काजोल अपने इन लॉज के साथ, स्पेशली अपनी सास के साथ, वीना देवगन के साथ अपने रिश्ते नहीं संभाल पा रही थी। बताया जा रहा था अप्स एंड डाउन्स रिश्ते में काफ़ी आ रहे थे, वीना देवगन के साथ काजोल की बॉन्ड नहीं बन पा रही थी, अजय काफ़ी परेशान चल रहे थे और तब एलिगेशंस जो थे मीडिया में आते हैं इस तरह के, इस पर खुलकर रिएक्ट किया था काजोल ने, सेवरल मीडिया अटैक्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अजय का काजोल की छोटी बहन से भी अफेयर के चर्चे होने लगे थे, इससे भी काजोल काफ़ी गुस्साई थी और उन्होंने गुस्से पर अपनी आवाज़ उठाते हुए कहा था, मुझे यकीन नहीं होता लोग इस तरह से गिर जाते हैं, खबरों बनाने के लिए इतनी झूठी बातें भी लिख देते हैं, एक शादी को हम बेसिक ट्रस्ट के बिना आगे नहीं बना सकते और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग कुछ भी कहें। लेकिन ये आपको पता है कि काजोल का जब मिसकैरेज हुआ था तब अजय देवगन वाकई में टूटे थे, 2001 में जब काजोल प्रेग्नेंट थी फर्स्ट चाइल्ड से, देवगन फैमिली अपने बच्चे के लिए इंतज़ार कर रहा था, काजोल ने तभी अचानक मिसकैरेज सफ़र किया, 6 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का सफ़र कर काजोल पूरी तरह से टूट सी गई थी और उस वक्त उनके दुख में अगर अजय देवगन ने उनके साथ खड़ा होने का फैसला लिया तो सोचिए भला एक पार्टनर इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
अजय ने मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म किया था पेनफुल स्टेटमेंट देकर। स्पेकुलेशंस एंड हो गए थे, काजोल के इश्यूज थे मैरिड लाइफ में और अब वो खुश हैं ये भी कहा गया था। अजय देवगन ने कहा था हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमने प्रेगनेंसी के बारे में बात की थी लेकिन अब लोगों को बताना होगा कि हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। उस साल बाद मिसकैरेज के बारे में जब इन्होंने बात की थी तब सेकेंड चांस एक्सपीरियंस पेरेंटहुड का एंजॉय करने के लिए दिया एक दूसरे को। 2003 में 20 अप्रैल को काजोल की प्यारी बेटी न्यासा का तब जन्म हुआ और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में 7 साल बाद, बेटी के जन्म के 7 साल बाद बेटे युग का जन्म हुआ और दोनों अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त हो चुके और अजय देवगन काजोल को फिर से एक समय मौका मिला एक दूसरे से प्यार कर सके, लेकिन लोगों को शायद इनका रिश्ता भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वहीं आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे हमेशा अपनी बेटी को वीकनेस कहने वाले अजय देवगन ने सबसे ज़्यादा काजोल को तभी दर्द में देखा था जब वो माँ बनने वाली थी और उन्होंने मिसकैरेज से सफ़र किया था। यही कारण है कि काजोल ने मदरहुड को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया और सालों इंडस्ट्री से गायब रहने का फैसला लिया और तभी भी इन दोनों का प्यार नहीं घटा। अजय देवगन और काजोल ने एक दूसरे को ये कहा था अपोजिट ट्रूली अट्रैक्ट, यानी कि काजोल और अजय एक दूसरे से बहुत अलग है, आसमान ज़मीन का अंतर है हम दोनों के बीच और यही कारण है कि हमारे बीच चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैं। बता दें आप सबको कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काजोल अजय के रिश्ते में दरार तब पड़ने लगी थी जब कंगना के साथ काजोल के नाम जुड़ने लगे थे। खैर ये तो बात अलग हो, यहाँ अगर बात करें तो अजय देवगन और काजोल हमेशा से ही एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं। तो ऐश्वर्या के साथ नोकझोंक करने वाले अजय देवगन को वाकई में किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ देखा जाता था सबको पता है, लेकिन काजोल की जब बात होती है तो अजय और काजोल के बीच के बॉन्ड होने पर ये पता चलता है कि हर किसी सेलिब्रिटी के साथ काजोल का अच्छा रिश्ता रहा अजय का भी। अजय और काजोल की तरह अजय और ऐश्वर्या एक बार गले मिले थे, बहुत ही अजीब तरह के इंसिडेंट बन गए थे, सबको ऐसा लगा कि अजय और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को किस किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। काजोल और अभिषेक वहीं मौजूद थे, दोनों ने ही देखा था। ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना अजय और ऐश्वर्या ने किया था जिसकी वजह से खबरें बनने लगी थी कि इनका रिश्ता टूट रहा है, नहीं है एक दूसरे के साथ अजय और काजोल, लेकिन सारी अफवाहों को करार दिया गया। सालों साल उड़ने वाली अफवाहों पर विराम लगा जब ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी नाम मिला, काजोल भी उनसे आगे निकली। काजोल और अजय की जोड़ी एक से बढ़कर एक फिल्मों की वजह से सुपर डुपर हिट चली गई। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से यहीं पर इजाजत लेने का। इस शो में आज इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।